सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फास्टर 24/7 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, आज 18 जून 2018 को यूपीपी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, उसके आंसर की मैं आज लेके आया हूँ। ये वीडियो आप देखिए, अपने आंसर की अपने पेपर से मिलाइए इस आंसर की को, आप जानिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपको आइडिया लगेगा आपका पेपर कैसा गया है, आगे की उम्मीद जो होगी आपको समझ में आएगी। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका एडवांटेज लीजिए। आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही वीडियोज महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोड करते रहेंगे जिनसे आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा जो बी ऑप्शन है, गंगा हरितिमा इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता ने अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है भी क्लियर नहीं है, जो जैसा भी होगा हम बाद में कमेंट में जरूर बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा पूनम यादव, ए ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अप्रैल 2018 में दो बैंकों का नाम आ रहा है, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, जो दोनों ऑप्शन में है, तो इसका अभी क्लियर नहीं कह सकते कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका अभी क्लियर बता नहीं सकते, आगे देखा जाएगा, कमेंट में जो मालूम होगा तो कमेंट में जरूर आपको सूचित किया जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतो के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा नरसिंह मेहता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा हड्डियां, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा अजात शत्रु, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, योग क्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका आंसर होगा बी, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी जो है अलग करता है? तो इसका आंसर होगा पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में के तौर पर उपहार में दिया था? तो इसका आंसर होगा मुंबई, ए ऑप्शन, मुंबई शहर दहेज में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के किस मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मधुशाला काव्य संग्रह जो है हरिवंश राय बच्चन का है, उसके लिए उनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो इसका आंसर होगा इंडिया गेट, दिल्ली का इंडिया गेट जो है इसको युद्ध स्मृति में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर हैं ये, इनकी आत्मकथा है, शीर्षक है इसका गोल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो उत्तर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहां पर है, किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा बिठूर, बिठूर में है, कानपुर के पास बिठूर में है ये आश्रम जो है ब्रह्मवर्त। अगला क्वेश्चन है, अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर होगा चंद बरदाई ने इसका उल्लेख किया है पृथ्वीराज रासो में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर होगा झांसी में हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय किसके काल में के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन कुषाण के काल में ये शीर्ष पर था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कानपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर होगा रानी अहिल्याबाई के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब सृजित किया गया? तो 1975 में सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर होगा हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सैरा, डी ऑप्शन सैरा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आंसर होगा शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। अब डेटा बुक है जो भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों के दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन रेड डेटा बुक इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो दोस्तों इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसका आंसर हम बाद में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति स्पेसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो इसका आंसर होगा सांप में बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है, तो मनुष्य में आवाज कंठ द्वारा उत्पादित होती है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा सी काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी गाय। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन उड़ीसा जो है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन बिटुमिनस जो है इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा वो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलाकर बना होता है? तो इसका आंसर होगा चिक्का जो है पंजाब का वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद को 2018 का प्रिटजर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसका हम बाद में बताएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता वाक्य में रेखांकित पद में का कारक है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, क्या आप भी घर जाएंगे? तो रेखांकित पद जो है आप, यह सर्वनाम है इसमें। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए? तो तद्भव इसमें कपूर है, कपूर का तत्सम जो होता है कर्पूर होता है। अगला है, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द, तो इसका सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। अगला है, उत्थान का विलोम पतन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देवता का पर्यायवाची जो है सुधाकर नहीं है, सुधाकर का मतलब चंद्रमा होता है, बाकी सूर्य अमर देव ये सभी देवता हैं, देवता का पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है,
सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, तो पत्र का लेख नहीं होता, पत्र का पत्ता, पंख और चिट्ठी होता है। अगला क्वेश्चन है, सदैव में संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो प्रत्येक में होगा प्रति। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना का मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होगा ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। अगला क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है, इसका मतलब होगा अर्थ जो होगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो इसका आंसर होगा अशुद्ध जो होगा कृष्ण जी के अनेकों नाम है, तो इसका यही वाक्य अशुद्ध होगा क्योंकि अनेकों का प्रयोग नहीं होता, अनेक का प्रयोग होता है, तो इसका सही होगा कृष्ण जी के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुदित मनोहर मानस देखा, तो इसका अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार होगा इसमें। वीर रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें चौपाई छंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, शिला से खाया नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे 59 क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है। इसमें देखें इन्वर्टेड कॉमा लगा है जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण, इसके सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, वह काम नहीं करता में अवयव पद है, तो इसका अभी आंसर क्लियर नहीं है, जैसा क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा लगी है, तो इसमें वृष्टि, डी ऑप्शन है, इसमें री की मात्रा लगी है। अगला क्वेश्चन है, सा का उच्चारण स्थान है, तो सा का उच्चारण स्थान तालु है, निम्नलिखित में से कौन सा रा व्यंजन नहीं है, तो अभी इसका आंसर क्लियर नहीं है, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं होता, संज्ञा व्यक्तिवाचक होती, जातिवाचक होती, भाववाचक होती है, संज्ञा निजवाचक नहीं होती है, निजवाचक जो होता है सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग जो है वचन है, वचन जो है वो पुल्लिंग है। आगे पैसे, अभी 66 नंबर है, सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो है दर्शन है, दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे जो पैसेज है इसके जो आंसर हैं, 67 नंबर में डी ऑप्शन सही है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किसी गुण को प्रकट करता है, तो इसका आंसर होगा डी, परहित का, मतलब दूसरे के हित का। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ने घड़ी में घड़ी क्यों देखी, बी ऑप्शन इसका सही होगा कि रेल के आने का समय हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, पहला ऑप्शन इसका सही होगा सूझबूझ को। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, इसका बी ऑप्शन सही होगा, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। अगला क्वेश्चन है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा शाबाशी देने का भाव, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 72 क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है, तो इसका आंसर होगा यामा, सी ऑप्शन, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, मैथ में आते हैं, यदि 21 21 चॉकलेट 7:4 में अनुपात में बांटा जाए, तो चॉकलेट का छोटा भाग, इसका बी ऑप्शन होगा 44। अगला क्वेश्चन है, 525 का 28%, तो इसका बी ऑप्शन होगा 147। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 65 का 220%, तो इसका सी ऑप्शन होगा 143। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, 693 में कोई वस्तु बेची जाती है 26% का लाभ होता है, तो कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो 550 रुपये में खरीदी गई थी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, तो इसका अंकित मूल्य था 250 रुपये, सी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 का निवेश करने पर ब्याज प्राप्त होगा, तो 750 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 2,100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, तो 441 रुपये बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो है बिजनेस रिलेटेड है, इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो में है तो कि 5.5 महीने के लिए निवेश किया गया था, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 14, 31 तथा एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या होगी 45, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 85 नंबर कार्य समय का है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 33 मिनट 45 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, इसमें चाल समय दूरी से संबंधित है, इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 87 नंबर कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, अनुपात दिया है, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसा क्लियर होगा हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, काम समय का है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, 17 घंटे 24 मिनट। अगला क्वेश्चन है, 89 नंबर इसका सी ऑप्शन सही होगा, 12 में 12। अगला क्वेश्चन है, सिंह सिंह शावक से संबंधित है, तो इल्ली से क्या संबंधित है, इल्ली से तितली संबंधित है, तितली से इल्ली संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है पूर्वज और वंशज किस प्रकार संबंधित है, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सुंदर व सूरत, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 92 इसमें महाराष्ट्र मुंबई संबंधित है, तो तमिलनाडु किससे संबंधित होगा, चेन्नई से संबंधित होगा, क्योंकि वो उसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कलम कलम में नोक होती है, निब होती है, तो कॉकपिट किस में होता है, तो विमान में होता है। अगला क्वेश्चन है, 94 नंबर इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे है, 95 नंबर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, गद्य अनुच्छेद से संबंधित है, तो कविता छंद से संबंधित है। अगला है, 96 नंबर इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, जैसा क्लियर होगा हम बताएंगे आपको। अगला है, 97 नंबर इसका डी ऑप्शन सही होगा, वाई। अगला है, 98 का ए ऑप्शन सही होगा, 972। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कर रहे जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 17। अगला क्वेश्चन है, 100 नंबर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 289। अगला क्वेश्चन है, 101 नंबर इसमें ए ऑप्शन सही होगा, PQ। अगला है, 102 नंबर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, जैसा क्लियर होगा हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, 103 नंबर इसका ए ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है, प्रबुद्ध दीपावली सुबह एक दूसरे के ओर मुंह किए खड़े करके बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, 105 नंबर इसमें जो है एक ए ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, 106 नंबर टेली कथन है, टेलीविजन एक बुद्धू डिब्बा, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, जैसा ही क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कथन इसमें दिया है, कुछ भी करने से पहले सोच लें, इसमें जो है दोनों धारणाएं ए और दो अंतर्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 108 नंबर कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, तो 36, 25 एक वर्ग संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, निकटतम मान देना है, तो इसका आंसर जो होगा 32, निकटतम मान, ये डी ऑप्शन 32 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 110 नंबर इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 19.62। अगला क्वेश्चन है, 111 नंबर इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1/18। अगला क्वेश्चन है, 112 नंबर महत्तम समापवर्तन निकालना है, इसका 6 मतलब सी ऑप्शन 6 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लासा निकालना है, इसमें डी ऑप्शन 300 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फूल फल पत्तियां में संबंध बताना, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों गोले अलग होंगे, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे असंगत की पहचान कीजिए, तीनों में एक ही अंक है घुमा फिरा कर रखे हैं, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा है कि वो सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्याएं हैं, तो सी ऑप्शन अलग होगा, इसमें से संबंध नहीं रखता है, तो उसमें जैसे इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, अगर लिपस्टिक आईलाइनर आई शैडो और भौं देखा जाए, तो लिपस्टिक को छोड़कर लिपस्टिक होंठों से संबंधित है, बाकी सभी तीनों
आंखों से संबंधित है, इस हिसाब से लिपस्टिक ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो भौं है जो है वो नेचुरल हमारे शरीर का अंग है, बाकी सभी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, तो इसमें भौं भी सही हो सकता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। कुल मिला के भौं है, डी ऑप्शन है और ए ऑप्शन, दोनों के सही होने की संभावना है। तो इसमें लेकिन प्रबलता अगर देखें तो डी ऑप्शन की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है और बाकी सभी कॉस्मेटिक वस्तुएँ हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, से संबंधित नहीं है, तो इसमें हथौड़ा हथौड़ा संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, तो इसमें झगड़ा होगा, क्योंकि गुस्सा हम अकेले में करते हैं, डर हम स्वयं से डरते हैं अकेले में, और हर्ष जो है हम स्वयं में हंसते हैं, खुशी होती है हमको, लेकिन झगड़ा करने के लिए हमेशा किसी एक दूसरे व्यक्ति का होना चाहिए, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो अलग है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला है 120 नंबर, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसे क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है कोयला जो है वो संबंधित नहीं है। पानी, हवा और सूर्य ये सभी नेचुरल रूप में पाए जाते हैं, कोयला जो है कायांतरित है, इसलिए कोयला जो है वो ऑप्शन जो है वो अलग होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंधित नहीं है, तो इसमें पुनर्उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, ये तीनों कुल मिला के एक ही तरह के ऑप्शन है, उसमें न्यूनीकरण वो अलग ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्लस बड़ा फिर आगे स्टार छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 126 नंबर, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला है 127, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, जैसा ही क्लियर होगा हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है 128 नंबर, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 129 नंबर, इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा। अगला है 130, 130 का सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों ही सहमत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर, इसमें डी ऑप्शन सही है, ना तो एक और ना ही दो सहमत हैं। अगला है 132 नंबर, इसका ए ऑप्शन सही है, सिर्फ एक ही सहमत है। अगला है 133, उस विकल्प का चयन करो, तीसरे से उसी प्रकार संबंध है। इसमें सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं, मानसून जब होती है, बरसात होती है, रबड़ के जूते हम पहनते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें चयन करना है, पूर्ण करना है, तो गेंद जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो पक जो है आइस हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोभी, टमाटर, मटर, आलू, इसमें क्या जो है क्या सही हो सकता है, क्या अलग हो सकता है, तो इसमें आलू भी अलग हो सकता है और गोभी भी अलग हो सकता है, क्योंकि गोभी को हम फूल भी बोलते हैं, बाकी को सब्जी बोलते हैं, और दूसरे हिसाब से देखें तो आलू भी सही हो सकता है, क्योंकि आलू ज़मीन के अंदर होती है और बाकी चीज़ें ज़मीन के बाहर होती हैं। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, इसमें 12 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर, 137 नंबर में बी ऑप्शन 156 है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जो क्लियर होगा तो हम बताएंगे आपको। 139 नंबर, इसमें ए ऑप्शन 104 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, 140 में बी ऑप्शन सही है, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, 141 में बी ऑप्शन लास्ट सही है। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, 142 में बी ऑप्शन सही है। अगला है 143 में त्वचा, त्वचा जो है सी ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मीना के पिता टीना के जीजा हैं, मीना के का टीना से क्या संबंध है, तो इसका आंसर होगा सी, भांजी, भतीजी हो सकता था लेकिन भतीजी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भांजी सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, दादा। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, इसमें ए सही होगा, पिता। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। और निवासियों की संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए किसी भी एक मीडिया स्रोतों पर भरोसा करते हैं, वो या तो टीवी देखते हैं, या तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो रेडियो सुनते हैं, तो तीनों में एक एक जो करते हैं उनको तीनों का अगर जोड़ दें तो 73 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 148 नंबर,
148 में पूछा गया है निवासियों की कुल संख्या क्या है, तो सभी को हम जोड़ देंगे तो कुल संख्या 100 हमको मिल जाएगी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला 149 नंबर, 149 में वो लोगों को ज्ञात करना है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं, टीवी नहीं देखते, तो उसका आंसर होगा 4। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 150 नंबर, फूल गुलाब और कमल इसमें संबंध बताना है, तो फूल के अंतर्गत तो गुलाब और कमल दोनों आते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये रहा कंप्लीट आंसर की, आप मिलाइए और देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं, आपका स्कोर क्या जा रहा है। हमारी तरफ से आपको स्टडी फास्टर 24/7 की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।